मैंगो शेक स्वाद और एनर्जी से भरपूर है। मैंगो शेक का हर ग्लास स्वाद और सेहत का राजा आम से बना शेक क्यों है सबका फेवरेट। गर्मियां शुरू होते ही मार्केट में हर जगह मैंगो शेक के ठेले दिखाई देने लगते हैं और वहां पर काफी भीड़ भी देखी जाती है, लेकिन अगर इसे घर पर तैयार किया जाए तो स्वाद दोगुना और स्वास्थ्य चौगुना होने की पूरी गारंटी है। आयुर्वेद की माने तो दूध के साथ केवल वही फल मिलाने चाहिए जो प्राकृतिक रूप से मीठे होते हैं, अन्यथा खट्टा फल मिलाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आम एक बेहतर इम्यूनिटी बूस्टर है क्योंकि इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। मौसमी बीमारियों से शरीर को बचाने के अलावा ये आपकी त्वचा को भी नेचुरली ग्लो करने में मदद करता है और चेहरा भी बेदाग नजर आता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी आम काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों की समस्याओं को कम करने में मददगार होगा, इसीलिए इसका रोजाना सेवन करें। मैंगो शेक में दूध का इस्तेमाल भी अच्छी मात्रा में होता है जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है और आपकी हड्डियों को मजबूत बना सकता है। एक गिलास मैंगो शेक में हो सकती है लगभग 200 कैलोरीज, जिसमें से आपको दिन भर भागदौड़ करने की एनर्जी मिल जाती है। मैंगो शेक आपकी पाचन क्रिया को भी बेहतर कर सकता है क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। जरूरत से ज्यादा सेवन आपके पाचन तंत्र को नुकसान भी दे सकता है। ध्यान रहे कि मैंगो शेक को तैयार करते समय चीनी की ज्यादा मात्रा आपके वजन को भी तेजी से बढ़ा सकती है। मैंगो और दूध साथ में मिलाने से शरीर का वजन और ब्लड शुगर लेवल दोनों बढ़ सकते हैं। ये स्वादिष्ट समर ड्रिंक आपको दिन भर हाइड्रेटेड भी रखती है, जिससे लू से अच्छा बचाव हो सकता है। आम में ग्लूटामिन एसिड भी पाया जाता है जो मेमोरी को बूस्ट करने के साथ साथ यादाश्त तेज करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो आइए अब जानते हैं मैंगो शेक तैयार करने का सही तरीका। मैंगो शेक बनाने के लिए 2 पके आम, 2 कप दूध, 1 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स, 1 कप चीनी, 5-6 आइस क्यूब्स। आम के गूदे को निकालकर ब्लेंडर में रख लें, फिर जरूरत अनुसार दूध मिलाएं। बाद में चीनी और बर्फ के टुकड़े डालकर मिश्रण को अच्छे से ब्लेंड करें। अब आपका मैंगो शेक हो गया है तैयार। मैंगो शेक को हेल्दी रखने के लिए उसमें लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें। ताजी आमले और आइसक्रीम आदि का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, कैलोरीज और जिन लोगों की सेहत नहीं बनती, जो बच्चे कमजोर रह जाते हैं, जो बड़े जवान कमजोर रह जाते हैं, उनके लिए मैंगो शेक बेहतर है। मैंगो शेक में जब दूध डालकर एक शरबत बनाया जाता है तो उसे मैंगो शेक कहते हैं। मैंगो की सबसे बड़ी मैंगो के सबसे बड़े फायदे ये हैं कि आपका पेट यानी हाजमा ठीक रखता है और जिस्म की ग्रोथ बढ़ाता है। और क्योंकि मैंगो यानी आम मिजाज में गर्म तबीयत का होता है, इसलिए उसमें दूध शामिल करने से उसकी गर्मी भी मर जाती है और वो एक ताकतवर जूस के रूप में आपको सपोर्ट करता है। मैंगो को कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लीवर के अगर मरीज हैं तो आप मैंगो में नमक जैतून 2 चुटकी मिलाकर और उसमें दूध मिलाकर मैंगो शेक पिए तो आपका लीवर को और किडनी को फायदा पहुंचाते हुए ये आपके पेट को दुरुस्त रखता है, सही रखता है। अगर आपको पथरी हो गई है, मैंगो शेक में 1-2 चुटकी नमक जैतून मिलाकर और 2 गिलास मैंगो शेक अगर पिए तो आपकी पथरी भी निकलना मुमकिन है। अगर आपको पेशाब पीला आ रहा है
तो आप 3 चुटकी नमक जैतून मैंगो शेक में मिलाकर पियेंगे तो आपको पेशाब का पीलापन जाता रहेगा और आपके पेट भी बहुत अच्छा रहेगा। इजाबत यानी आपको लैट्रिन खुलकर होगी। कहीं आपके लीवर और किडनी पर सूजन है या इन्फेक्शन है तो उससे भी राहत मिलती है और आप सेहतमंद रह सकते हैं।